हेलो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो में हम जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया की उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारे आ, सिलेबस में क्या है राइस है व्हीट है शुगर केन कॉटन जूट टी एंड कॉफ़ी तो चलिए सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं आप हिंदी लैंग्वेज पे बिल्कुल मत जाना मैंने आपसे पहले भी कहा था एक्चुअली ये मेरी पुरानी बुक है जब मैं एस की प्रिपरेशन कर रही थी तो हिंदी मीडियम में ही मिलती तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे मैप्स और मुझे लगा आपको समझाना भी ईजी इसी होगा इसीलिए मैं ये लेकर आई तो सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे तो राइस के जो मेजर एरियाज हैं ये जो डार्क पोर्शन है ये हमारा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है जिसमें आता है हमारा ये है वेस्ट बंगाल ठीक है इधर से ये हो गया हमारा ओडिशा और ये हमारा है छत्तीसगढ़ ये जो एरिया है ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास पेपर में ये वाला एरिया जो आपका कवर किया आता है डार्क पोर्शन आता है ये एरिया तो ये एरिया हमारा क्या रहेगा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया क्यों क्योंकि ये देखिए सारे कोस्टल एरियाज़ हैं और हमारे को राइस की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इरीगेशन बहुत चाहिए होता है तो इसी ये कोस्टल एरिया का पोर्शन अगर आपका ये डार्क आता है तो इसका मतलब ये पोर्शन में क्या रहता है हमारा राइस और हमारे को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ दो याद कर लो बहुत है कि राइस का मेन प्रोड्यूसर क्या है वेस्ट बंगाल है ओडिशा है छत्तीसगढ़ है आप वेस्ट बंगाल और ओडिशा याद कर सकते हो तो बस ये याद रखना है अगर कोस्टल एरिया के पास ये एरिया आपका डाक आता है और आपसे पूछा जाता है ये कौन सी क्रॉप है तो आप बस आँखें बंद करके कि कोस्टल एरिया है तो आप राइस पर टिकमा कर सकते हैं ठीक है थीके? चलिए इसके बाद हम देखते हैं वीट की प्रोडक्शन कहाँ पे है वीट हम सबको पता है कहाँ रहता है एल्यूबिल सॉइल में ज़्यादा रहता है यानी कि ये पंजाब हरियाणा और यूपी के एरिया में ठीक है तो हमारे को अगर ये वाला पोर्शन आता है ये जो ये डार्क किया हुआ है ये डार्क पोर्शन जो है ये पोर्शन जो है ये जो सारा पोर्शन है ये अलग अलग हमें बता रखे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है कम कहाँ पे है बट हमें अगर वीट में ये वाला जो पोर्शन आता है तो ये आपका कलर्ड आता है तो इसका मतलब यहाँ आपकी व्हीट प्रोडक्शन है तो आपके लिए ये ना याद करना बहुत ही और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट्स हैं तो आप इजीली बता सकते हो पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश तो अभी आपको ये जो पोर्शन ब्लैंक है ये देखिए ये सारा है हमारा राइस प्रोडक्शन का क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ के पास है अगर आपको ये पोर्शन आ जाता है तो आपको बताना है ये राइस की क्रॉप होती है यहाँ पे और अगर ये वाला ऊपर वाला पोर्शन आपको नॉर्थ इंडिया का आ जाता है तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर व्हीट होती है जो कि एलिवेल सॉइल में होती है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत जो है हमारे एमपी में भी अब आप, आपने सुना होगा एमपी की वीट बहुत ज़्यादा फेमस होती है एमपी की गेहूँ है ये आपने घर में सुना होगा तो ये एमपी में भी हमारी वीट बहुत अच्छी रहती है तो अगर ये वाला पोर्शन आपका डाक आता है तो ये वीट का है बस इसमें तो आपके दो ही चीज़ें हैं वीट एंड राइस ये राइस हो गया ये ऊपर का वीट हो गया चलो ये तो बहुत ईजी है चलिए इसके बाद हम करते हैं शुगर केन शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है शुगर केन रहता है यहाँ यूपी की तरफ जितनी भी शुगर केन की प्रोडक्शन है जितना भी गन्ना है वो सारा यूपी की तरफ से आता है और जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो मैक्सिमम जो हैं हमारे यहाँ यूपी के अंदर हैं तो अगर आपको कभी भी शुगर शुगर केन का अगर एग्ज़ाम में आ जाता है ये जो है आपका पोर्शन आ जाता है ये आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है तो आप इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पर शुगर केन रहता है इसके अलावा ये महा यहाँ पर भी शुगर केन बहुत ज्यादा रहता है ये महाराष्ट्र का पोर्शन और कर्नाटका का पोर्शन बट आप एक या दो याद कर लो ये पंजाब हरियाणा यूपी कर लो या फिर आप यूपी एंड कर्नाटका कर लो तो ये आपका क्या है शुगर केन का एरिया है इसके बाद हमारा आता है कॉटन एंड जूट कॉटन सबको पता है ब्लैक सॉल में होता है आप जिसको ब्लैक सॉल पता है वो इजीली बता सकता है कि कॉटन क्या रहेगा गुजरात में रहेगा या एमपी में रहेगा और महाराष्ट्र में रहेगा ठीक है ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा अगर इस एरिया में है अगर ब्लैक सॉइल यहाँ ब्लैक सॉइल जिसको भी पता है ब्लैक सॉइल है तो जी यहाँ पे कॉटन होगा ही होगा तो ये आपको सबको पता है कि कॉटन का ही है अब ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी जूट की है जूट का के लिए वही चीज़ है कि हम लोगों को पानी बहुत चाहिए होता है तो जूट यहाँ पे कहाँ मिलता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है अब वेस्ट बंगाल में हमने क्या क्या कर लिया है एक तो राइस क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए उसके बाद जूट उसके लिए भी पानी चाहिए तो जूट हमारा मैक्सिमम कहाँ रहता है वेस्ट बंगाल में हमारा जूट रहता है इसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा सारा जूट रहता है जो ये असम का एरिया है मेघा मेघाल ये ये सारा एरिया जो है यहाँ हमारा सारा जूट रहता है तो चलिए आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि अगर ब्लैक सॉल जिसको पता है यहाँ पे हमारा कॉटन आ गया सारा सारा और वेस्ट बंगाल और असम में हमारा आ गया सारा का सारा जूट चलिए ठीक है इसके बाद अभी हम देखते हैं चाय यानी कि टी टी सबको पता है कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा असम में होती है ठीक है ये असम मेघालय वाला जो एरिया है ये हमारा टी का है इसके बाद हिमाचल प्रदेश में होती है और केरल में होती है केरल को आप छोड़ दीजिए केरल कर्नाटक में आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ठीक है केरल में हमारी होती है सबसे ज़्यादा रबड़ केरल में क्या होती है हमारी रबड़ सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ आपको क्या याद रखना है चाय कहाँ होती है असम में होती है हम सबको पता है ये वाला अगर एरिया आता है तो ये हमारा चाय का है ठीक है इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे कॉफ़ी कॉफ़ी की प्रोडक्शन कहाँ पर है कॉफ़ी की प्रोडक्शन हमारी ये जो डार्क एरिया है ना ये एरिया है जहाँ पर पुराने मतलब पुराने टाइम से यहीं पर ही कॉफ़ी जो है प्रोड्यूस की जाती है कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में केरल में अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी है रबड़ ठीक है और ये जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये जो है यहाँ पे मतलब थोड़ा दूसरे मेथड से कॉफ़ी की जाती है बट जो ट्रेडिशनल वेज़ हैं वहाँ पर कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में की जाती है आपको ये बात याद रखनी है अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपने कॉफ़ी और चाय के बारे में बताना है तो कॉफ़ी हमारी कर्नाटक रहेगी और केरल रहेगी तमिलनाडु अगर एक बताना है तो कर्नाटक मेन है ठीक है और अगर चाय का पूछा जाए तो आपको पता है असम में टी लीव्स आप फेमस है ना आसाम की तो आसाम तो आपको याद रहेगा ये आसाम का एरिया है आपको बस पोर्शन याद होना चाहिए कि इस तरफ आ जाता है तो चाय है और इधर आ जाता है तो कॉफी है ठीक है उसके बाद उसके बाद कॉटन जूट पूछा जाए तो हमें पता है कॉटन ब्लैक सॉयल में होता है ब्लैक सॉइल हमारा कहाँ गुजरात है एम पी और महाराष्ट्र में होता है और जूट पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में रहता है और ये एरिया जो है ठीक है अब नेक्स्ट हमारा उसके बाद शुगर केन हमें पता है शुगर मिल्स का है सबसे ज्यादा यूपी में तो यूपी का आप ये वाला पोर्शन करेंगे राइस वीट में अगर ये कोस्टल एरिया के पास आ जाता है तो ये सारा राइस है और अगर ऊपर वाला ये ही पोर्शन आ जाता है तो ये हमारा वीट के लिए भी है शुगर केन के लिए भी है ठीक है बच्चे आई थिंक आपको कुछ कुछ याद हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं चलिए थैंक यू